कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज बिहार दिवस है तो आप सभी को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिहार दिवस है तो यहाँ गांधी मैदान में मेला भी लगा है बिहार दिवस। देखते हैं कि किस थीम पे इस बार लगा हुआ है। तो बहुत दिन से न्यूज़पेपर में आ रहा है तो चलिए चलते हैं, बिहार दिवस आपको घुमाते हैं। और क्या, मुझे याद है कि मैंने पिछले बार भी शायद इसका ब्लॉग बनाया था। हाँ, बनाया था तो उस टाइम मैंने स्टार्ट ही किया था ब्लॉगिंग। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एक साल हो गया यूट्यूब की जर्नी को। तो चलिए चलते हैं, हम लोग चलते हैं मेला में और वहीं पे मैं डायरेक्ट मिलती हूँ। इधर का काम कर लूँ पहले। आ गए हम लोग गांधी मैदान और पहला दिन है, चूँकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आपको मैं एक ऐसे विजिट कराती हूँ, ये अभी अंदर का नहीं बाहर का नज़ारा है। जब बाहर में इतनी ज़्यादा भीड़ है तो पता नहीं अंदर में क्या ही भीड़ हुआ होगा। मुख्यमंत्री आए थे उद्घाटन कराने के लिए, वो चले गए हैं शायद, वो 5 बजे ही आने वाले थे, अभी 6:30 होने वाला है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं, उस टाइम तो और भी ज़्यादा भीड़ हुई होगी। तो मैंने बोला नहीं भाई, उस भीड़ में नहीं जाना है। तो चलिए चलते हैं। क्लाउड अब देखो कितनी ज्यादा भीड़ है बाहर में। वी आर एंटर्ड और अभी से ही स्टार्ट हो चुकी है बहुत ज्यादा भीड़। और सबसे पहले मेरा फेवरेट सेक्शन पुस्तक मेला, हम लोग चलते हैं उधर। नहीं जाते, चलो इसमें ठीक। मुख्यमंत्री भूमि योजना में बहुत यूज लगा हुआ है, पूरा एक राउंड में लगा हुआ है, बहुत ही ज्यादा एकदम राउंड में लगा हुआ है। ये भी बहुत ही ज्यादा यूज लगा है, बहुत ज्यादा। Yeah.
बट पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि पिछले साल इससे ज़्यादा अच्छे से बिहार दिवस मतलब लगा था। इस बार मुझे ठीक लगा बट वाव नहीं लगा। पिछले बार वाला बिहार दिवस मुझे वाव लगा था। ठीक है, अपनी अपनी थिंकिंग है, अपने अपना नज़रिया है। मुझे इस बार से ज़्यादा बेहतर पिछले बार वाला बिहार दिवस लगा था। तो बहुत भीड़ है आज के दिन, पहला दिन है, बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए शायद कल शायद थोड़ा रिलीफ हो। तो मज़ा आ रहा है, घूम रहे हैं हम लोग और आपको भी दिखा रहे हैं जितना कैप्चर कर पा रहे हैं। होपफुली आपको भी ठीक लग ही रहा होगा। थोड़ा बैठे हैं यहाँ पे हम लोग स्टेज के पास, कुछ देर बाद हम लोग फिर निकलेंगे। थक गए हैं घूमते घूमते, क्योंकि जो पटना में रहते हैं उन्हें पता ही है कि गांधी मैदान बहुत बड़ा है और उसमें इतना बड़ा मेला लगा है तो घूमते घूमते तो थक ही जाएगा ना आदमी। तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं अभी हम लोग। अंदर इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी कि प्यास लग गया तो बाहर आए हमने पानी। अरे आलू बड़ा चिकन जी पियोगे तो ना फोन ने आज इतना दिमाग खराब किया है ना, कॉल लग ही नहीं रहा है गांधी मैदान के अंदर। अभी मैं बाहर में वेट कर रही हूँ, पिछले आधे घंटे से यही चल रहा है। मैं कॉल कर रही हूँ तो उनका नहीं लग रहा है, वो कॉल कर रहे हैं तो मेरा नहीं लग रहा है। तो मैंने फाइनली उनको बोला कि मैं बाहर ही बैठी हूँ, आप यहीं आओ, उसके बाद हम लोग साथ अंदर चलते हैं। पता चला कि रात भर फोन ही करते रह गए। अंदर बिल्कुल भी गांधी मैदान के अंदर नेटवर्क है ही नहीं यार, सभी लोग बाहर आके कॉल कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया अचानक समझ नहीं आ रहा है। तो मैं यहीं वेट कर रही हूँ, एकदम थक गई हूँ। मतलब इतना देर मुझे गुस्सा आ रहा था ना कि मैं क्या करूँ, मैं गुस्सा को कंट्रोल करके बैठी हुई हूँ। हाँ नहीं तो पैलेस चटकड़ा में आसियाना में जो है, आप लोगों को पता ही है, मैंने बहुत बार बताया है। तो चटकड़ा जब भी आते हैं हम लोग तो मोस्टली हम लोग डोसा खाने ही आते हैं क्योंकि यहाँ का डोसा फेमस है। तो बस वेट हो रहा है, ज़्यादातर लोग यहाँ डोसा खाने ही आते हैं तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। बस हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, आने वाला है। ये हमेशा इडली ही खाता है सांभर के साथ, चटनी वटनी और कुछ नहीं बस। डिनर करने के बाद मेरा फेवरेट आइसक्रीम मैंने खाया और बस हम लोग घर के लिए निकले। और इस ब्लॉग में इतना ही, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।